अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है एम जी जेड एफ ई वी एम सी ई लॉन्ग रेंज 2024 मॉडल और ये एम जी जेड एफ ई वी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। एम जी जेड एफ बेसिकली सिंपल भी आती है और ई वी भी आती है। ई वी वाली कार फुली इलेक्ट्रिक होती है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें इंजन नहीं आता और इस गाड़ी को 2019 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। है बेसिकली वही एम जी जेड एफ जो कि पाकिस्तान में आई थी पहले और अब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करके इसकी लुक काफ़ी डिफरेंट कर दी गई है। देखने में लगता है कि ये इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन है बट ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन ही है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं और ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में यूनिक सेलिंग पॉइंट ही यही है कि इन गाड़ियों में मेंटेन होने वाला पार्ट कोई होता ही नहीं है। आप इस गाड़ी में सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करेंगे और इसके अलावा टायर चेंज करेंगे और इसमें जो चीज़ें डालने वाली होती हैं वो सिर्फ इसका हेडलाइट वॉशर है, इसमें और कोई ऑयल चेंज वगैरह नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में कुछ मजे की चीज़ें हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल जीरो है और अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,60,00,000 रुपए है। ये प्राइस आपको सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन इस तरह की जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो वैसे भी काफ़ी महंगी होती हैं। इसी शोरूम पे एक मर्सिडीज EQC खड़ी है, वो गाड़ी 3.25 करोड़ की है बट 3.25 करोड़ की होते हुए साइज के लिहाज से वो इस जितनी ही है, सिर्फ लग्जरी में थोड़ी ऊपर है। परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ करीब करीबी हैं लेकिन चलिए एक गाड़ी उससे आधी है प्राइस में, उसकी प्राइस में ये 2 आज है। खैर इसकी डिमांड 1,60,00,000 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है और एक रावलपिंडी में फिर GT रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज अ प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है ईवी और ईवी कार्स के अंदर कोई ग्रिल्स वगैरह नहीं आती एंड दिस कार इज नो डिफरेंट और यही वजह है कि ये गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। इसका सारा ही फ्रंट क्लोज है और इसमें ये एक पैटर्न दिया गया है जो कि इस गाड़ी के लुक को थोड़ा बेहतर बना रहा है लेकिन यहाँ पे सब कुछ बड़ा फ्लैट सा है। हेडलाइट इस गाड़ी के बिल्कुल बेसिक सी हैं, बम्पर में से कोई खास कर्व्स वगैरह नहीं दिए गए, जस्ट इसमें कटर लाइंस के नाम पे ये नीचे क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। रियर बम्पर में भी एज इट इज ऐसी एक फ्रिल आती है और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं यानी कि डे ऑन इट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। फिर ये हेडलाइट्स हैं अभी बाइसनॉन वाली, इसमें फिर एक काफी बड़ी ऊपर DRL दी गई है जो कि इंडिकेटर के अंदर स्विच भी करती है और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट से लुक एक फिश जैसी आती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि MGZS का EV वर्जन है तो इसके अंदर एक पावर इनलेट आता है, इसको ओपन करके आप यहाँ से इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका चार्जर प्लग इन करेंगे। इसके अलावा इसके फ्रंट पर ये MG का मोनोग्राम दिया गया है। फ्रंट पर की पार्किंग सेंसर वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती लेकिन इस गाड़ी में रडार आता है जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है बम्पर के सेंटर में। ये इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन दिए हुए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसकी विंडशील्ड के सेंटर में ऊपर एक सेंसर दिया गया है जो कि इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स का है, इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो ये भी एज कम्पेयर टू अदर कार्स थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह से कि इस गाड़ी के जो रिम्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरे क्लोज ही हैं और इसकी वजह यह है कि ये कार ईवी है, ईवी कार्स के अंदर इनकी रेंज ही सब कुछ होती है, ये गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी उतनी ही महंगी बिकेगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इसके रिम्स को मोस्टली बंद ही रखा गया है ताकि इसके अंदर एयर का ड्रैग ना बने, ये गाड़ी ताकि एवरेज बेहतर दे। खैर इसके अलावा कटलाइंस यहाँ पे काफ़ी स्वीपी सी दी गई हैं, ये गाड़ी काफ़ी हद तक MGHS वाली लुक्स भी देती है इस एंगल से। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इनके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। इसमें 4 कैमरास आते हैं, एक्सटीरियर पे, एक फ्रंट पे भी दिया गया है, 2 साइड्स पे और एक बैक पे, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू भी देते हैं। और फिर इसके साइड मिरर के अंदर ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिया गया है, फिर ये साइड मिरर हीटेड भी है। तो मेरे ख्याल से एक साइड मिरर के अंदर जितने फीचर्स आ सकते थे MG ने ऑफर कर दिए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर इसकी विंडोज़ के आसपास एक क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से गाड़ी कंपैरेटिवली MGHS से थोड़ी सी छोटी है लेकिन पिछली MGZS से थोड़ी सी बड़ी है। पहले वाली MGZS फर्स्ट जनरेशन जो कि पाकिस्तान में आ रही है वो गाड़ी से थोड़ी सी छोटी थी साइज में। खैर लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इसमें साइड पे सॉफ्ट अनलॉक भी दिया गया है यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल के ऊपर भी क्रोम आता है,
नीचे भी ये सिल्वर कलर की मोल्डिंग्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेटर बना रही हैं, और इसकी लुक में कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला टच ऐड करने के लिए इसके व्हील्स के आसपास ये एप्रन्स कंटिन्यू किए गए हैं। इसके अलावा इसके रेड डोर्स कंपैरेटिवली पिछले एमजी रेड से काफ़ी बड़े हैं और ये इसकी एंट्री एग्जिट को काफ़ी आसान बनाते हैं। इनके अंदर मैं एंटर काफ़ी आसानी से हो सकता हूँ और एग्जिट भी। अगर आप थोड़े से एजड हैं तो आपके लिए गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, सेवे ग्रैंडे वगैरह उनके अंदर एंट्री एग्जिट काफ़ी मुश्किल होती है, तो दिस कार इज अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा इसमें फिर रूफ रेस भी दी गई हैं और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, और ये वो पॉइंट है जहाँ मोस्टली पाकिस्तानी कार्स के अंदर फ्यूल डोर आता है, ये गाड़ी फ्यूल डोर ऑफर नहीं करती क्योंकि इसमें इंजन ही नहीं है। इसमें फ्रंट पे सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट आता है जो कि मैंने आपको दिखाया था, और इसके अलावा फिर ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज टिंटेड आई भी हैं। इसके अलावा ये गाड़ी ऊपर एरियल एंटीना भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये अगेन पिछली एमजी ZS EV से काफी मिलता जुलता है। इसकी टेल लाइट्स वैसी ही दी गई हैं, जैसी साइज में बड़ी हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो LED पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दिया गया है पार्ट्स में। नॉनदलेस ये मिलती जुलती ही है और फीचर ये गाड़ी बैक पे अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से इसके बैक पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रिवर्स कैमरा आता है, बैक पे अगेन ये क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि फ्रंट जैसी ही है, और इसमें फिर बैक पे रियर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, स्पॉयलर के अंदर एक ब्रेक लैंप भी दिया गया है। इसके अलावा ट्रंक अनलॉक करने का तरीका इस गाड़ी में काफी मजेदार है। इसके एमजी के साइन को ऊपर से अगर आप दबाएंगे तो इसका ट्रंक अनलॉक हो जाएगा, और फिर आप इसको उठाएंगे भी इसी साइन से, इस तरह से ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है, और इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी खासी स्पेशियस दी गई है। इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का चार्जर और इन्वर्टर ग्रेड एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे आप स्पेयर टायर लेके भी रख सकते हैं लेकिन कंपनी से इसमें नहीं आता। यहाँ पे इसका जस्ट चार्जर दिया गया है, और चार्जर बाय द वे इस गाड़ी को तकरीबन 7-8 घंटे में 0-100 कर सकता है। इसमें ये प्रॉपर एक चार्जर आता है जो कि आप घर पे इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फास्ट चार्जर पे लेके जाएंगे तो ये गाड़ी विद इन एन आर भी 0-100 हो सकती है। ये सारी स्टेट्स में आगे कवर करूंगा इंजन बे में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है और मोस्टली इलेक्ट्रिक कार जैसा है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशी फ्रिल्स यूज़ नहीं की गई, ये पूरा ही इंटीरियर फुल ब्लैक है और इसमें रेड कलर के एक्सटेंट सेट किए गए हैं स्टिचिंग की फॉर्म में। इसे पूरे ही इंटीरियर में रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है काफ़ी टेक्टिकल सी, जो कि इसको काफ़ी बेहतर लुक दे रही है। बाकी इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी मोर लेस पहले वाली एमजी ZS जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ थोड़ा इंप्रूव्ड है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का एमजी HS जैसा ही आता है, लेकिन जिसमें एक सुपर स्पोर्ट वाला मोड नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स में ये नहीं आता। और इसके अलावा ये पूरा ही स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है, इस पर प्रॉपर लेदर दिया गया है साइड पे, और इसमें स्विचिंग भी कंटिन्यू करती है रेड कलर की, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही है। इसके अलावा इसके लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टी मीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल्स की तो हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में फ्लिप्ड आते हैं। एमजी क्योंकि एक यूके की कंपनी है तो यूके की मोस्टली कार्स में यही इंडिकेटर वगैरह फ्लिप्ड होते हैं, बेशक वो फॉर्चूनर्स हों, मर्सिडीज हों, रेवो वगैरह हों, जो भी गाड़ी यूके से आएगी उसके हेडलाइट के कंट्रोल फ्लिप्ड होंगे। इसमें भी लेफ्ट पे दिए गए हैं और इन हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इसके विंडशील्ड वॉशर के हैं, और नीचे यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि अडॉप्टिव है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी में पूरा ही स्क्रीन आता है, ये स्क्रीन काफ़ी हाई डेफिनेशन है। राइट भी आपको पावर की परसेंटेज शो करवाती है, लेफ्ट भी आपको स्पीड शो करवाती है इन डिजिटल फॉर्मेट, और फिर सेंटर में काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट स्टैट्स शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एयर कूलर पर लीटर, ऑडोमीटर, फिर इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक के स्टैट्स और बाकी वो सारी चीज़ें जो कि यूजली कार्स में आती हैं। फिर यहाँ पे इसकी फ्यूल की जगह बैटरी की परसेंटेज आ रही है, फिर आपको रेंज भी शो करवाती है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे इसका फिर 1-2-3 लिखा हुआ है जो कि बेसिकली इसका कर्स का है। कर्स स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी रिजर्व सिस्टम, ये बेसिकली इसकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है जो कि मैं कवर करूँगा अभी। इसका एक फंक्शन है जो कि इसकी रेंज को बेहतर बनाता है। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी है, और इस गाड़ी का डैशबोर्ड पूरा ही लेदर की फिनिश में है। अगेन यहाँ भी टेक्टिकल से स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, और इसके एयर वेंट्स पहले वाली एमजी ZS जैसे ही हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में ये कार्बन फाइबर की फ्रिल ऐड कर दी गई है, ये बेसिकली सॉफ्ट टच मटेरियल ही है, कार्बन फाइबर जैसा पैटर्न है इसके ऊपर जस्ट, और फिर यहाँ पे भी स्टिचिंग दी गई है। और अगर बात की जाए इसके मल्टीमीडिया पैनल की तो ये 10.1 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। ये ऑक्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है। फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको शो होगा इस गाड़ी का, क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं, उनका व्यू भी आपको ये गाड़ी यहाँ पे देगी। इससे आपको टॉप डाउन व्यू भी आएगा, साइड्स का व्यू भी आएगा, फ्रंट का भी आएगा, और इनको आप अगेन एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें TPM भी आता है जो कि आपको यहाँ पे इस गाड़ी का टायर प्रेशर शो करवाता है। टायर प्रेशर मॉनिटर मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है, इस गाड़ी के सारे टायरों में बराबर हवा है, लेकिन अगर एक में कम होगी तो यहाँ पे गाड़ी वार्निंग देगी। फिर उसके अलावा स्क्रीन से नीचे यहाँ पे इसके फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, होम पे जा सकते हैं, नॉर्मल बटन्स जो कि यूजली कार्स में आते हैं। फिर उससे नीचे इसका USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है।
और उसके अलावा नीचे फिर स्कॉर्पियो में वायरलेस चार्जर भी आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आपके पास अगर वायरलेस चार्जिंग वाला फोन है तो आप यहाँ प्लेस करेंगे तो वो चार्ज होने लग जाएगा। फिर उसके पीछे स्कॉर्पियो का गियर शिफ्टर दिया गया है। गियर सेलेक्टर इस गाड़ी में रोटरी वाला आता है, यानी कि आप इसको घुमा के डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच करेंगे और ये घूमता भी उतना ही है जितनी जरूरत है। हैवल वगैरह की तरह नहीं कि आप इसको जितना मर्जी घुमाते रहें घूमता जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल की तरह ये उतना ही आगे जाता है जितना गियर होगा। और इसके अलावा पार्किंग में करने के लिए आप इसके बटन को दबाएंगे। फिर इसमें पार्किंग ब्रेक लगाते ही हैंड ब्रेक खुद ही इंगेज हो जाती है और बी में करेंगे तो खुद ही हैंड ब्रेक डिसइंगेज हो जाएगी। फिर ऊपर कुछ यहाँ पे तीन और बटन दिए गए हैं, एक ड्राइव मोड का है। इस गाड़ी में तीन ड्राइव मोड्स आते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। और उसके साथ फिर इसका कर्व्स का बटन दिया गया है। अगेन कर्व्स मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी रिजर्व सिस्टम है और इसको आप जितना ज़्यादा हाई रखेंगे गाड़ी उतनी ज़्यादा खुद ब्रेकिंग करेगी। इसका फायदा यह है कि गाड़ी खुद फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए करंट प्रोड्यूस करती है और करंट प्रोड्यूस करने से इस गाड़ी की रेंज बढ़ती जाती है। जितना आप इसको लो रखेंगे गाड़ी उतना कम फ्रिक्शन देगी। इसके बेसिकली फायदे ये हैं कि आपको एक तो ब्रेक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप इस गाड़ी को रेस देंगे तो ये गाड़ी तेज़ होगी, जैसे आप रेस से पाँव उठाएंगे तो ये गाड़ी ड्रामेटिकली स्लो होगी, काफ़ी ज़्यादा रुकेगी एज कम्पेयर टू अदर कार्स, और इस हद तक रुकेगी कि शायद आपको ब्रेक यूज़ करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप किसी यूटर्न में एंटर हुए हैं और आपने रेस से पाँव उठाया है तो गाड़ी यूटर्न तक पहुँचते पहुँचते इतनी स्लो हो चुकी होगी कि आप उसको वैसे ही टर्न कर लें और सिर्फ आप रेस देंगे। इसका बेसिकली फायदा यह भी है कि आपकी ब्रेक कम यूज़ होंगी। इन गाड़ियों में ब्रेक 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती हैं जबकि आम गाड़ियों में इससे बहुत पहले ही ब्रेक चेंज हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक बैटरी का बटन दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन के अंदर इस गाड़ी की बैटरी की स्टेट शो करवाता है। गियर सेलेक्टर से पीछे यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और साथ ऑटो होल्ड भी दिया गया है। और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप इस तरह से खोल के दो कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिड स्लाइडिंग में है और बाय द वे ये वाला सेंटर कंसोल MG ZS EV में आता है, सिंपल MG ZS में ये कंसोल नहीं आता। मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। फिर अगर बात कीजिए इसके सेंटर कंसोल की कैपेसिटी की तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए स्काई में रेड पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पैसेंजर काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, तो यहाँ पे किसी भी खास इशू होने नहीं वाला। और इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज भी ठीक दी गई हैं। इस तरह से कि रेड पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी एयरमेट्स भी ऑफर करती है। फिर इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है तो यहाँ पे आप तीन लोग भी बिठा सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में एक USB पावर आउटलेट आता है और फिर एक सी टाइप वाला पावर आउटलेट भी आता है, तो आपके पास कोई भी फोन हो आप उसको यहाँ पे बैठ के चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो रेड बेंचेस हैं ये 60-40 की स्पीड के साथ आते हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, तो रेड पैसेंजर का व्यू भी ये गाड़ी अच्छा बनाती है। और इसमें पर हेडरेस्ट भी आते हैं, बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, क्वार्टर ग्लास भी आते हैं काफ़ी छोटे से, और इसमें वही लेदर कंटिन्यू किया गया है जो कि फ्रंट पे आता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यूजली कंपनीज बैक डोर्स में चीप आउट कर जाती हैं, बेशक वो स्पोर्टेज हो या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज, उनके बैक डोर्स में प्लास्टिक आता है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पर लेदर यूज़ किया गया है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेड विंडोज टिंटेड आई हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि इसमें रेड पैसेंजर्स के लिए बैक पे कोई कैमरा लाइट नहीं दी गई, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये वो पॉइंट है जहाँ मैं यूजली बोलता हूँ कि अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन कैपेसिटी की, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि इंजन ऑफर करती नहीं है, तो अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकल यूनिट की, तो ये गाड़ी 75 kW की बैटरी ऑफर करती है। 75 kW एक अच्छा फिगर है, ये गाड़ी 0 to 100 विद इन 8 सेकंड करेगी। और इसके अलावा ये गाड़ी तकरीबन अगर हॉर्स पावर के हिसाब से देखा जाए तो 130-140 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इससे बड़ी गाड़ियां भी इससे कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती होती हैं। खैर ये गाड़ी काफ़ी क्विक है और इसके अलावा ये आपको एक फुल चार्ज में तकरीबन 450-500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि गाड़ी लॉन्ग रेंज वाली कार है। ये रेंज आपको टेस्ला प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड रेंज वाली कार की रेंज इससे कम होती है। तो ये मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के लिहाज से एक अच्छा यूनिट है, लेकिन बाकी अंडर द हुड सिचुएशन इस गाड़ी की थोड़ी वियर्ड सी है। और उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी बेसिकली ग्राउंड अप बिल्ट नहीं की गई। जो गाड़ियाँ ग्राउंड अप बिल्ट की जाती हैं जैसे कि टेस्लास हो गई, उनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि उनमें ये वाली सारी मशीनरी वगैरह बैक पर एडजस्ट कर दी जाती है और फिर उनमें फ्रंक आता है फ्रंट पे, एक फ्रंट ट्रंक। लेकिन जैसे मर्सिडीज EQC हो गई या फिर ये गाड़ी हो गई, इनमें पेट्रोल इंजन भी आते हैं और इंजन वाली कार के अंदर स्पेस को इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता कि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर एडजस्ट की जाए। तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक मोटर इंजन की जगह पर ही दी हुई है और उसमें फ्रंक नहीं है। EQC का भी सेम केस है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर यहीं पे आती है और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल बंद होती है, आप वहाँ पे कुछ रख नहीं सकते। एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट, लेकिन इसके ऊपर कवर भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे एंट्री ने थोड़ा चीप आउट किया है, बट स्टिल ये गाड़ी क्योंकि एक इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो आई गेस इट्स ओके। बाकी ये बोनट स्टैंड से ओपन होता है, इसके अंदर रेजोल्यूशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, जो टायर साइज जो आता है MG ZS EV में, यह है 215, 55 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि 90% क्लोज है और इसकी वजह है, तो वजह यह है
कि इसके अंदर एक का ड्रैग कम से कम रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में रेंज ही सब कुछ होती है और रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके रिम को मोस्टली क्लोज रखा गया है ताकि इसमें हवा कम से कम जाए और एक का ड्रैग ना होने के बराबर बने। जितना ड्रैग कम होगा उतनी इसकी एवरेज बेहतर रहेगी। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत स्पोक्स छोड़े गए हैं उसकी वजह यह है कि इसकी ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए। अगर आप इस गाड़ी को इसकी लिमिट से पुश करते हैं तो इसकी ब्रेक बहुत ज़्यादा गर्म हो गए काम भी छोड़ सकती हैं, तो उनमें हवा जाए इसलिए थोड़े बहुत डक्स खुले रखे गए हैं। बाकी इसके रिम का डिज़ाइन मोर लेस विंडमिल जैसा है जो कि पिछली MG ZS में भी फॉलो किया गया था। टायर्स गाड़ी में मैक्सिस का लगा हुआ है और ये एक ठीक टायर है जो आपको 40-50,000 किलोमीटर तक एक ठीक राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, इसमें ABS भी आता है जो कि इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है, लेकिन इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है जिसकी वजह से आपको ब्रेक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।